फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। केसी फिल्म के 14th डे के प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप सोचोगे यार कि कलेक्शंस तो पहले बता दू प्रॉपर। तो कल का कलेक्शंस मैंने नहीं बताया था, तो चलिए अपडेट्स बता देता हूँ किस तरह से है। एक्चुअली 12 दिन का कलेक्शन जो हुआ था, पहले वो बता देता हूँ। 12 दिन के बाद ये फिल्म करीबन 128.28 करोड़ के आसपास जाके रुकी, यानी कि जो इसका प्रेडिक्शन मैंने दिया था 2.5-3 करोड़ तक का, लेकिन ये उससे थोड़ा बेहतर हुआ था। 3.27 करोड़ के आसपास कुछ कलेक्शन हुआ था, यानी कि आप 3.25 करोड़ पकड़ लो इजली। और जो कल का प्रेडिक्शन था मेरा, वो करीबन 2-2.5 करोड़ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फिल्म ड्रॉप नहीं हुई होगी, या फिर 2.75 करोड़ तक शायद कमाया होगा फिल्म ने। और अगर ऐसा हुआ होगा तो इसका जो कलेक्शन होगा वो 130 करोड़, मैं कह रहा था जो वो होगा करीबन 131 करोड़ के आसपास, जो आज पता चलेगा हमें, ठीक है। यानी 13 दिन के बाद ये फिल्म 131 करोड़ के आसपास जाके रुकेगी। अब 14वें दिन की बात आती है, तो अब ये जो प्रेडिक्शन है वो 2-2.5 करोड़ अब बहुत ज्यादा सही होगा। जी हाँ, कल का जो मैं प्रेडिक्शन था वापस उसी प्रेडिक्शन पर मैं आज के लिए भी रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये फिल्म यहाँ से ड्रॉप होगी। अब इसी तरह से चलते रहेगी जब तक वीडियोस खत्म नहीं होता है, और उसके बाद जब थर्ड वीकेंड होगा तो बहुत कुछ देखने या समझने में आएगा कि फिल्म कहां तक जाएगी। लेकिन इतना साफ है, यहां से 140 करोड़ इस फिल्म से कोई छीन नहीं सकता है, और अगर स्टेबल बनी रही थर्ड वीकेंड में भी तो ये 150 करोड़ के ऊपर ही जाएगी, जो आई थिंक सभी अक्षय कुमार फैंस बहुत ज्यादा चाहते भी होंगे कि उनकी ये फिल्म, अक्षय कुमार ये फिल्म उस लेवल तक जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे कई सारे लोगों के मुंह पे ताला लग गया होगा, जिनको शायद लग रहा था कि ये फिल्म इतनी बढ़िया नहीं चलेगी, इतनी आगे तक नहीं जाएगी। तो आपको बता दो, इस फिल्म ने 130 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर लिए है कल तक। अब ये फिल्म उसके आगे की जर्नी अपनी तय कर रही, जो अंतिम जर्नी हो सकती है आने वाले, लेकिन अंतिम तो नहीं बोलूंगा, बट 2 हफ्ते मुझे लगता है किसी भी तरह से ये फिल्म को कोई उतार नहीं सकता, ठीक है। तो 2 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे इस फिल्म के लिए अभी भी। तो यहाँ पर 150 करोड़ तो मुझे सामने सामने कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और अगर मेरे ख्याल से बुरा भी कुछ हुआ तो 145 करोड़ के आसपास तो भाई इजिली पॉसिबल है। आई थिंक ये तो आपको भी समझ में आ गया। तो अभी क्या है जरूर बताइए, प्रेडिक्शन मेरा है 2-2.5 करोड़, आपकी क्या है 14वें दिन की जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, 14 दिन के बाद ये फिल्म का जो कलेक्शन होगा वो 132 करोड़ के ऊपर, यानी 133 करोड़ के ऊपर चल जाएगा। चलिए फिर कितना है।